सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। भाई देखो, सीधी बात तो ऐसी है कि अभी तक दिल्ली में इतनी ठंड नहीं आई कि मैं जैकेट पहन सकूं। भाई पता नहीं ऐसे क्या क्लाइमेटिक चेंज आ गया कि नवंबर आते हुए भी इतनी ठंड नहीं है अभी तक। चलो टॉपिक पे ऊपर आते हैं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ OnePlus 6T के बारे में कि फोन एक्चुअली में कैसा है, आपको ये फोन खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर सच में क्या ये वैल्यू है या OnePlus हम लोगों को पागल बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चीयर्स। अब यार मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने पुराने वाली वीडियो के सारे लाइक टारगेट पूरे कर दिए तो यार बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे यार मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि यार हम लोग ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना तो कहीं बात कर रहे हैं लाइक्स के थ्रू ही। तो आज वाली वीडियो का ना मीडियम से लाइक टारगेट रखते हैं 12,000 लाइक्स का। यार प्लीज़ पूरा कर देना, बहुत ही मज़ा आता है और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा भाई, ये वाला जो रिव्यू है ना, ये रिव्यू के साथ साथ मेरे कहीं ना तो कहीं ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। भाई देखो, सीधी बात ये है, अगर इस डिस्प्ले में कुछ नया है ना, तो सबसे पहली ये कि हमें इसमें वाटर ड्यू नॉइज देखने को मिलती है और दूसरी बात ये कि हमें इसमें छोटा चिन्ह देखने को मिलता है। अब पता है दिक्कत क्या है, काफी सारे लोगों को लगता है कि ये ना हलवा है, कोई भी चीज ही कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई इतने छोटा चिन्ह देना है, फिर इतना छोटा नॉइज देना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से रियलमी 2 प्रो में हमने वाटर ड्यू नॉइज देखा है, सबको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो रियलमी 2 प्रो में ना हमें छोटा चिन्ह नहीं देखने को मिलता, जबकि OnePlus 6T की बात करूं तो हमें दोनों चीज बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है। एक्चुअली इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो बहुत अच्छे से बढ़ाई गई है और बेजल्स भी यार बहुत ज्यादा कम है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है यार, यहां पर एक्चुअली में बहुत अच्छी डिस्प्ले है। अब अच्छी डिस्प्ले की मैं बात ही कर रहा हूं ना, तो भाई एक और मैं बात करना चाहूंगा, वो है इसके एमोलेड पैनल के बारे में। अगर मैं आप लोगों के सामने LCD पैनल रखूं ना और एमोलेड पैनल रखूं, आप में से 100% लोग ना एमोलेड पैनल ही पिक करोगे। वो इतना अच्छा होता है, इतने पंची कलर्स दिखाता है और ऊपर से जो उसका ब्लैक लेवल होता है ना, ऐसा लगता है कि डिस्प्ले ऑफ है, तो ये भी बहुत एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा देता है वाली डिस्प्ले। तो इसलिए कह रहा हूं कि यार कोई छोटी बात नहीं है यार, एक्चुअली में OnePlus ने यहां पर बहुत अच्छा काम किया है और जो डिस्प्ले में चेंजेस है ना यार, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर मैं पूरा साथ हूं OnePlus के, और ये डिस्प्ले मेरे को सच में बहुत ज्यादा पसंद आई, कुछ खास कमी इसमें है ही नहीं। कमी से याद आया, अब मैं बात करना चाहूंगा इस फोन के हेडफोन जैक के बारे में। भाई सीधी बात तो ये है, मेरे को नहीं पता OnePlus को ऐसा क्यों लगा कि OnePlus 6T में से हेडफोन जैक हटाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर ऐसा है तो यार Samsung को बहुत पहले हटा देना चाहिए था, Samsung इससे अच्छे फोन बनाता है और ज्यादा महंगे फोन बनाता है, उन्होंने भी इसमें से हेडफोन जैक अभी तक नहीं हटाया है। मैं इस चीज के पर्सनली फेवर में नहीं हूं। मैं जानता हूं काफी सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए और कहीं ना तो कहीं हम लोगों को इन चीजों से नाता तोड़ना चाहिए, तभी जाके हम कहीं ना तो कहीं नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। मैं इस चीज के साथ में हूं भी और नहीं भी। अब मैं समझाता हूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि OnePlus ना कहीं ना तो कहीं अब पैसा कमाना चाहता है। देखो सीधी बात यह है कि ना OnePlus के फैंस बन चुके हैं, आज के टाइम में जो भी OnePlus 3D यूज कर रहे हैं ना, उनको भी अपडेट्स मिल रहे हैं और वो खुश है, उनके फोन स्मूथ चल रहे हैं। सच में इन लोगों ने पूरे फैंस बनाए हैं, इनके कस्टमर नहीं है, इनके फैंस है। हेडफोन जैक हटा कर ना इन लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिलेगा इनके फैंस का, और ऑब्वियसली अगर वो ब्लूटूथ ईयरफोन्स खरीदेंगे तो वो अपने OnePlus के ही खरीदेंगे, जो कि बुलेट्स बहुत ज्यादा फेमस है इन लोगों के। तो यहां से मेरे को ये एक थिंकिंग लगी OnePlus की जो हो सकती है, बाकी मेरे को नहीं पता। अगर मैं OnePlus के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरे को दूसरी बात यार ऐसी लगती है कि इस फोन में ना बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी डाली हुई है, जैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। नहीं तो देखा जाए तो भाई बहुत ही छोटी नॉच है, छोटा चिन्ह है, डिजाइन भी बहुत ही कमाल का है, फोन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है। तो मे बी हेडफोन जैक हटाना इनको एक अच्छा आइडिया लगा होगा, ये मैं OnePlus के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं। आगे बढ़ते और बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। हमें इसमें देखने को मिलता है Snapdragon 845 और वही सब कुछ जो OnePlus 6 में देखने को मिलता था, तो यहां पर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बट स्टिल अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई हमें इसमें बहुत ही अच्छी रैम मैनेजमेंट देखने को मिलती है, इसका जो एंड्रॉइड पी है वो हद से ज्यादा स्टेबल है और बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स कर दिए है। और हाँ, हमें एंड्रॉइड पी OnePlus 6 में भी देखने को मिलेगा, तो भाई जो भी पुराने यूजर है आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। और अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यार मेरे को अपनी ऑक्सीजन OS हद से ज्यादा स्टेबल लगती है और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आती है। और अगर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई बहुत ही मस्त पबजी चलता है, कोई भी आप गेम चलाओगे बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ऑब्वियसली यार बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है और बहुत अच्छी रैम के साथ, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करूँ स्टोरेज के बारे में तो भाई हमें बहुत ही अच्छी फास्ट स्टोरेज देखने को मिलती है, इसलिए आपको बहुत ही स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ओवरऑल आपकी फोटोज वोटोज जो भी आप खींचोगे तो ऑन द
स्पॉट खुलेंगे सारी चीजें, और ऑब्वियसली ऐप का लोडिंग टाइम भी बहुत सही रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई बहुत मस्त है वन प्लस यार, हमेशा से फेमस है इसकी स्टेबिलिटी के लिए और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर आप वन प्लस पे शक नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के मामले में। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा इस फोन के कैमरे के बारे में। भाई आप लोगों को सच बताना, मैं वन प्लस 6 के कैमरे का बहुत बहुत बड़ा फैन था, और जब से मैंने वन प्लस 6 भी अपडेट किया ना, बहुत अजीब कैमरा हो गया है, और वन प्लस 60 का कैमरा तो मेरे को अजीब लगा ही लगा। पता नहीं क्यों बहुत ही अलग तरीके की ब्यूटिफिकेशन करता है ये, पता नहीं यार फोटोज़ में अलग सी सेचुरेशन होती है, मे बी AI जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है इसकी फोटोज़ में। आप लोगों को थोड़ी बहुत सैंपल्स दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं इन फोटोज़ के बारे में बात करूँ ना तो ओके है, कभी कभी तो फोटोज़ बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है, नहीं तो मैं अगर स्किन टोन्स की बात करूँ ना पर्टिकुलरली, तो बहुत ही रेडिश सी फोटो आती है, स्किन टोन्स में बहुत ही रेडनेस होती है। मेरे को नहीं पता ऐसा क्या ऑप्टिमाइजेशन चल रही है पीछे की तरफ, बट मेरे को इसकी स्किन टोन्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगी है। और अगर हम बात करूँ ओवरऑल सेचुरेशन के बारे में ना कुछ कुछ फोटोज़ में, तो कभी कभी फोटो बहुत ही अंडर सेचुरेटेड होती है, फिर कभी ओवर सेचुरेटेड होती है। तो ये बहुत ही अजीब सी ऑप्टिमाइजेशन लगी मेरे को फोटोज के अंदर, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो मेरा वन प्लस का ये सजेशन रहेगी कि भाई जो पहले वाला कैमरा था वो ज्यादा बेटर था, अगर वही वाली ऑप्टिमाइजेशन वापस ला सको तो बहुत ही बेटर रहेगा यार यूजर्स के लिए। और अगर हम बात करें इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो आप लोग को सीधे सैंपल दिखाता हूं अभी। तो भाई ये हमारा वीडियो सैंपल इसका, यहां पर मेरी चेयर रखी है, यहां पर हमारा कैमरा रखा है, थोड़ी सी स्टेबिलाइजेशन का आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं भाई फोकस कितना अच्छा कर लेता है ये, ऐसे यहां पर एक फोकस करके दिखा देता हूं। तो फोकस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वाइट बैलेंस भी बहुत अच्छा आया हुआ है, और शार्पनेस भी काफी कमाल की है। जनरली क्या होता है स्टूडियो लाइट्स में ज्यादातर कैमरे ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं और अच्छा वाइट बैलेंस नहीं दिखा पाते, तो भाई इसमें बहुत अच्छा वाइट बैलेंस आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से वीडियो बिल्कुल ओके है। जैसे कि आपने देखा यार इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की थी, यहाँ पर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी, आपको 4K का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही कमाल की है, तो यहाँ पर तो भाई वीडियो के मामले में कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो कैमरे के बारे में लास्ट में कहना चाहूँगा, मेरे को पर्सनली इसका कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें स्किन टोन थोड़ी सी अजीब आती है, अलग ही सेचुरेशन रहती है, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा यार ये। नेक्स्ट में बात करना चाहूँगा इस फोन की बैटरी के बारे में, इस बार हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी बड़ी बैटरी 3700 mAh की। अब आपको लग रहा होगा भाई कौन सा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, बट एक्चुअल में बैटरी बैकअप में तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है ना यार, अगर आप सुबह निकलते हो ना भूल जाओ भाई इसको चार्ज करना, आराम से जितना यूज करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरे को वन प्लस 6 में बैटरी बैकअप में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगती थी, और अब वन प्लस 60 के साथ तो बैटरी बैकअप इतना अच्छा होकर आया ना कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। तो यहां पर तो भाई मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है और तारीफ ही तारीफ है, और ऊपर से भाई जो आपको इसमें डैश चार्जिंग देखने को मिलती है ना, जो इतनी जल्दी आपके फोन को चार्ज करती है, ये तो बिल्कुल बोनस वाली बात होती है इस फोन के अंदर। तो भाई बैटरी के मामले में वन प्लस में आपको कुछ खास कमी नहीं दिखने वाली, खासकर वन प्लस 60 में। अब नेक्स्ट में बात करना चाहूंगा इस फोन की अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, जो कि डिस्प्ले के नीचे हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। सीधी बात तो ये है कि भाई ये स्लो है, बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर, ऑब्वियसली अपने फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की ये जगह बिल्कुल भी नहीं ले सकता। बट अच्छी बात यह कि इसमें बहुत ही अजीब सी एनिमेशन देखने को मिलती है, जो कि आपको फील कराती है कि भाई ये स्लो नहीं है, बट एक्चुअली में यार फैक्ट तो यही है कि ये स्लो है। अब एक और बात यहाँ पर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप इस पर पूरा थंब नहीं लगाते अच्छे से, या फिर कोई भी फिंगर पूरी नहीं लगाते, तो ये खुलता नहीं है, या फिर थोड़े से देरी में खुलता है। तो आप कह सकते हो कि यार ये पूरी अच्छे से तैयार नहीं है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसको थोड़ा सा और टाइम बाद आना चाहिए था, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। बाकी लास्ट में आप लोगों से बात करना चाहूंगा इस फोन की डिजाइन के बारे में। भाई यहां पर ना सीधी बात तो ये है, बैक पैनल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मेरे पास वन प्लस 6 भी मिरर ब्लैक में पड़ा हुआ है, और ये वन प्लस 60 भी मिरर ब्लैक में ही है। तो यहां पर मिरर ब्लैक कलर मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, और फोन की लुक हद से ज्यादा प्रीमियम कर देता है। और जो आप असली डिफरेंस है ना फोन के अंदर, वो फ्रंट से आता है, और उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो डिजाइन के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, काश कुछ रिफ्रेशिंग आया होता तो कुछ नया होता बोलने के लिए, बट यहां पर कुछ है नहीं, तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई डिजाइन बिल्कुल ओके है, जैसे वन प्लस 6 का था बिल्कुल वैसा ही है। अब लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए नहीं। तो भाई मेरा जवाब ये है, अगर आप वन प्लस 6 से आ रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे वन प्लस 60 लेकर। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल भी मत खरीदना, और अगर आपको कोई एंड्रॉइड फोन चाहिए और आपका बजट 40,000 से कम का है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जो फोन आता है। तो यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके मेरे को जरूर बताना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग को ज्वाइन करो, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।